आरसीबी की टीम ने आईपीएल 2021 के फेज 2 को लेकर सबसे बकवास खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया है, जॉर्ज गार्डन वो खिलाड़ी है। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्यों इतने सारे लोग यहां पे जॉर्ज गार्डन के ऊपर इतने ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। एंड गाइस अपने एबी डिविलियर्स की तरफ से एक नई अपडेट निकल कर आ रही है, तो उसके बारे में भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो आप सभी आरसीबी के फैंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज आप लोग एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूज के बारे में। सबसे पहले न्यूज निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के एबी डिविलियर्स की तरफ से। तो गाइस सब एबी डिविलियर्स कब यूएई पहुंचेंगे आरसीबी के फैंस इंतजार कर रहे थे, तो गाइस उसके रिगार्डिंग अपडेट निकल कर आ चुकी है। एंड मैं सबसे पहले बात बता दूं आप सभी को, एबी डिविलियर्स जो कि अपनी तैयारी आईपीएल 2021 के लिए वो पूरी तरीके से स्टार्ट कर चुके हैं फेज 2 के लिए, जो कि मैंने आप सभी को इसके बारे में पहले अपडेट कर दिया था जब एबी डिविलियर्स की तरफ से अपडेट निकल कर आया था। एंड एबी डिविलियर्स जब अपनी तैयारी स्टार्ट किए थे, जब वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए थे, तभी मैंने आप सभी को बता दिया था। तो गाइस अब हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के एबी डिविलियर्स कब यहां पे यूएई पहुंचने वाले हैं। उससे पहले हम बात करेंगे आरसीबी की टीम यूएई कब पहुंचेगी। तो गाइस आरसीबी की टीम 29 तारीख को रवाना होने वाली है, यानी कि गाइस अब कल आरसीबी की टीम यूएई के लिए रवाना हो जाएगी। और गाइस हम बात करते हैं अब एबी डिविलियर्स के बारे में। तो गाइस एबी डिविलियर्स सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में आईपीएल 2021 के फेज 2 के लिए यूएई के लिए रवाना होने वाले हैं। एंड सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में आप सभी को एबी डिविलियर्स आरसीबी के टीम के साथ यहां पे नजर आने वाले हैं। लेकिन हाँ, एबी डिविलियर्स को क्वारंटाइन कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी गाइस वो यहां पे टीम के साथ जुड़ पाएंगे। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जॉर्ज गार्डन को लेके। आरसीबी की टीम ने क्या सबसे बकवास खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया है? कुछ आरसीबी के फैंस का ऐसा कहना है कि जॉर्ज गार्डन वन ऑफ द बेस्ट एकदम खिलाड़ी है, कुछ आरसीबी के फैंस का कहना है। एंड कुछ फैंस का कहना है कि जॉर्ज गार्डन बकवास खिलाड़ी है, आरसीबी की टीम पागल हो गई है, कैन कौन कौन से खिलाड़ी को साइन कर रही है अपने टीम में, एंड केन रिचर्डसन के बदले अपने टीम में जॉर्ज गार्डन को लाए, कोई लेवल नहीं है। तो गाइस आरसीबी के फैंस का कुछ ऐसा ऐसा सवाल जो कि हमें देखने को मिल रहा है। एंड गाइस यहां पे आरसीबी की टीम ने जब यहां पे ट्वीट किया था, तब भी मैंने उसके कमेंट सेक्शन देखे तो वहां के कमेंट पे भी गाइस यहां पे बहुत ज्यादा हेट यहां पे मिल रहा था जॉर्ज गार्डन को। तो गाइस यहां पे जॉर्ज गार्डन एक कमाल का खिलाड़ी है। अगर हम लोग बात करें इनके रिसेंट फॉर्म की, तो गाइस यहां पे द 100 लीग जहां पे हुआ था एंड वहां पे एलिमिनेटर में फाइनल में अच्छे परफॉर्म किए थे। और मेरे हिसाब से ये खिलाड़ी बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है जॉर्ज गार्डन। अगर हम लोग बात करें ना, तो गाइस इस खिलाड़ी की इकोनॉमी की बात करें, एवरेज की बात करें एंड मैच एंड विकेट की बात करें, तो गाइस ये खिलाड़ी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। एंड जितने सारे आरसीबी के फैंस कह रहे हैं कि ये बकवास खिलाड़ी है, तो मैं उन लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि आईपीएल का इंतजार करो। अगर आईपीएल गाइस में ये अच्छे तरीके से परफॉर्म कर देते हैं, अगर आरसीबी की टीम इनको मौका देती है और वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर जाते हैं, तो उनका पूरी तरीके से मुंह बदल जाएगा एंड वो फिर वो बोलेंगे कि अच्छे खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा परफॉर्म किया। तो हमें सिर्फ आईपीएल का इंतजार करना है, आईपीएल आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि खिलाड़ी कैसा है, क्या आईपीएल में परफॉर्म कर सकता है या नहीं, या फिर सिर्फ दूसरे T20 लीग में ही जाके एक खिलाड़ी परफॉर्म कर सकता है। तो गाइस हमें वक्त आने पे पता चल जाएगा। अब बात करते जॉर्ज गार्डन के बारे में। तो गाइस अबे जॉर्ज गार्डन ने गाइस उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जहां पे उन्होंने बात किया कि मैं आरसीबी की टीम के साथ यहां पे ज्वाइन हुआ हूं, साइन हुआ हूं आरसीबी की टीम के साथ आईपीएल में, वो भी और जहां पे विराट कोहली एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी रहेंगे, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। एंड मैं इस बात से खुश हूं कि मुझे विराट कोहली एबी डिविलियर्स को गेंद डालना नहीं पड़ेगा। तो गाइस अबे जॉर्ज गार्डन ने जब साइन किया था उन्होंने, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था एंड अभी वो बाहर निकल कर आ रही है। तो गाइस मैंने आप सभी को वो बता दिया। तो गाइस यहां पे आरसीबी की टीम की तरफ से ये नई न्यूज सामने निकल कर आ रही थी। तो अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें एंड साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। तो गाइस सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।